तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन विंग्स, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही यम्मी स्टार्टर्स है। जो हम चिकन विंग्स ले लिए, इसको अच्छे से वॉश कर लिए, इसको फिर ड्राई कर देंगे टिश्यू से। वो आप देख सकते हैं गाइस, इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे गाइस, और इसको उसमें मिक्स करेंगे। 3 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, 3 स्पून। और ये एक्चुअली फिलिपिनी डिश है, बहुत ही अच्छा चिकन विंग्स। या आप इसको फ्राई कर सकते हैं या ग्रिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग ग्रिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ब्लैक पेपर डालेंगे गाइस 1.5 स्पून। फिर गार्लिक पाउडर डालेंगे 1.5 स्पून, आप देख सकते हैं गाइस। फिर इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड कर लेंगे गाइस 1.5 स्पून। फिर चाहे तो आप पापरिका भी ऐड कर सकते हैं गाइस। और फिर चिकन स्टॉक पाउडर थोड़ा सा 1 स्पून डाल देंगे गाइस। फिर इसको अच्छे से मैरिनेशन कर देंगे। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, पर जो ऑर्डर था उसको लेमन जूस नहीं चाहिए, इसलिए हमने लेमन जूस ऐड नहीं किया। फिर इसको अच्छे से ढक देंगे और फ्रिज में डाल देंगे गाइस थोड़ी देर के लिए। फिर ये देखिए, निकाल के हम अच्छे से मैरिनेशन को मिला लेंगे। फिर इसको ढक देंगे थोड़ी देर और, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और फिर हमने इसको निकाल लिया है, और ये देखिए अच्छे से मैरिनेशन हो गया है। फिर एक लेंगे फ्राई पैन, उसमें ऐड करेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल जो हम ग्रिल करेंगे चिकन विंग्स को। आप चाहे तो इसको मैदे में क्रैप्स करके फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम ग्रिल करेंगे इसलिए मैदा नहीं यूज़ कर रहे हैं गाइस। और हमने फ्राई पैन में ऐड कर दिया है ये विंग्स को, जो लो फायर में इसको अच्छे से पकने देंगे। और ये देखिए, ये हमारा चिकन विंग्स अच्छे से पकड़ा है गाइस। आप चाहें तो फ्राई यूज़ करें या ग्रिल, पर ग्रिल इज़ बेटर। फ्राई में ऑयली ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रिल में उतना ऑयली नहीं होता। और ये देखिए, ऑलमोस्ट डन होने वाला है चिकन विंग्स। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे जो मैरिनेशन बचा हुआ था बॉल में, वो उसको ऐड कर देंगे ताकि अच्छा से पक जाए। फिर इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि पूरे चिकन अंदर अंदर तक पक जाए, अंदर ब्लड ना रहे। और ये देखिए, ऑलमोस्ट पक गया है चिकन। फिर इसको थोड़ा सा फायर तेज़ करके इसको अच्छे से पकाएंगे फिर गाइस। और ये देखिए, अच्छे से पक गया है, क्या अच्छा कलर भी है छोड़ दिया है। और इसको फिर 5 मिनट पका देंगे गाइस, ताकि अंदर का जो भी पानी है वो सब सूख जाए। अब देखिए, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है गाइस, और बहुत ही यम्मी टेस्टी है। आप चाहे तो थोड़ा HP सॉस भी यूज कर सकते हैं, या बारबेक्यू सॉस भी यूज कर सकते हैं, हमने नहीं किया। फिर इसमें ऐड कर लेंगे गार्लिक चॉप, जो मैरिनेशन बचा हुआ है ऑयल, चिकन का जो ऑयल रिमूव हुआ है उसी में ऐड कर लेंगे गार्लिक थोड़ा सा, और उसको अच्छे से सौते कर लेंगे। जब गार्लिक ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, ताकि और ये स्पाइसी हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो फ्राई किया हुआ चिकन है, वो अच्छे से ऐड कर देंगे। जो भी गाइस नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी नया कुकिंग रिलेटेड वीडियो हो आपके पास सबसे पहले आए। और हर दिन हम नया नया रेसिपी रेस्टोरेंट का शेयर करते रहते हैं। तो रेडी हो गया चिकन विंग्स, रेडी टू सर्व। और जैसा लगा गाइस आप लोग को, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय।